मेटावर्स 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 क्या है ये मेटावर्स? रुको जरा, सबर करो, बताता हूं मेटावर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मेरी बातें सुन के आपको लगने वाला है शॉक, आपको लगने वाले हैं झटके, और शायद आपको आएगी ढेर सारी हंसी। सो चलिए मेटावर्स की दुनिया में। सो गाइस, हम मेटावर्स के बारे में समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप कहाँ पे रहते हो। अब कोई कहेगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं पंजाब में, गुजरात, पुणे, राजस्थान, मुंबई, कलकत्ता या और भी सिटीज़। लेकिन बेसिकली हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया है अर्थ पे। अर्थ कहाँ पे है? मिल्की वे में। मिल्की वे कहाँ पे है? यूनिवर्स में। और यूनिवर्स कहाँ पे है? मेटावर्स में। मेटावर्स का जन्म हुआ था 1992 में। मेटावर्स इस वर्ल्ड का जन्म हुआ था 1992 में, और तुम्हारे भाई का भी जन्म हुआ था 1992 में। तो मेटावर्स और मैं, हम दोनों ही लेजेंड्स 30 साल के हो गए। तो गाइस, हम 90s किड्स स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करते थे, यानी कि एटलीस्ट मैं स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करता था। मैं खोया रहता था अपनी दुनिया में, मतलब चांद तारों की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में। ओके, सो मतलब कुछ भी इमेजिनेशन इमेजिनेशन करता था मैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया है, ओके, और मैंने सबकी जान बचाई। आई नो अभी आप हंस रहे हो, बट सीरियसली ऐसा मैं सोचा करता था, और मैंने सबकी जान बचाई, स्पेशली अपनी क्रश की। तो मेटावर्स की दुनिया में आप ये भी कर सकते हो, आप टेररिस्ट से लड़ सकते हो। मेटावर्स में हर चीज़ है जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेटावर्स के अंदर। और कुछ भी सोचो, कुछ भी, वो आपको मिलेगा मेटावर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, दूध की नदी। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, आपको हंसी भी आ रही होगी इस बात पे, बट दूध की नदी मेटावर्स में मिल जाएगी। आप जो सोचोगे ना, वो आपको मिलेगा मेटावर्स के अंदर। या फिर आप सोचो कि आप बिल्डिंग से गिर रहे हो। कभी आपको सपना आया है ऐसा कि आप बिल्डिंग से गिर रहे हो? उस चीज़ को भी आप फील कर सकते हो कि मेटावर्स के अंदर, कि आप बिल्डिंग से गिर रहे हो और नीचे बहुत गहरा ये, आप नीचे गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, पेट में गुदगुली हो रही है, आप नीचे गिरते जा रहे हो। हर चीज़ आप, मतलब जो आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो मेटावर्स के अंदर। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल वे में बताऊं, तो हम सब ने रामायण या महाभारत तो देखी ही है। तो रामायण महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था नारायण नारायण नारायण। तो नारायण की एक क्वालिटी थी कि वो एक जगह से टेलीपोर्ट होता था दूसरी जगह पे। वही सारी शक्तियाँ आपको मिलेंगी मेटावर्स के अंदर। आप स्कूल से ऑफिस जा सकते हो, आप ऑफिस से घर जा सकते हो, आप घर से कहीं और जा सकते हो चुटकी बजाते हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है मेटावर्स, मतलब क्या कहूँ मैं, ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और मेटावर्स की शुरुआत जब हुई थी, तो मतलब मेटावर्स के ऊपर जब काम करना चालू हुआ था, तब ये वीआर हेडसेट लॉन्च हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंपल सा बेसिक सा वीआर हेडसेट जिसके ऊपर आप 360 वीडियोस देख सकते हो बस, इससे ज़्यादा इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीआर पे मैंने कल डोरेमोन का घर देखा, फुल घर के अंदर गया मैं, डोरेमोन का घर, वहाँ पे नोबिता का रूम देखा, डोरेमोन का बेड देखा, किचन, बाथरूम, हर चीज़ देखी, बैल्कनी जहाँ से वो उड़ के जाता है, मतलब एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था। तो मुझे पता है ये चीज़ ज़्यादा कुछ काम नहीं करती, ये तो बेसिक है, लेकिन अगर इसमें अगर इतना सब कुछ हो सकता है, तो आप सोचो कि फ्यूचर में क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हम स्कूल की क्लास कहाँ पे लेते हैं, या फिर ऑफिस की मीटिंग कहाँ पे लेते हैं? तो
तो चलो हमारे टाइम पे तो स्कूल ऑफलाइन हुआ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती है। लेकिन हमारी जो मीट होती है, अभी मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरी जो मीट होती है वो गूगल मीट है, ऑनलाइन गूगल मीट, या फिर कोई जूम मीट पे करते हैं, कोई जियो मीट पे करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह पे, अलग अलग एप्लीकेशंस पे लोग मीट करते हैं। तो फ्यूचर में आपका एक अवतार होगा, ओके? तो मीट पे आपका वीडियो नहीं दिखेगा, आपका अवतार दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, GTA Vice की आपने गेम खेली है, हर किसी ने खेली है वो गेम, अगर नहीं खेली तो खेलो यार, ओके? तो GTA Vice City के अंदर एक कैरेक्टर होता है, या फिर पबजी पबजी के अंदर एक कैरेक्टर होता है, तो वो होता है। तो वैसे ही अपना एक अवतार होगा, अवतार इन द सेंस इसी तरह का एक, जैसे एक कैरेक्टर होगा, ओके? तो उस कैरेक्टर के साथ आप किसी भी मीट पे जा सकते हो, कहीं पार्टी के लिए जा सकते हो, स्कूल में जा सकते हो, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह पे आप उस कैरेक्टर के साथ जा सकते हो, ठीक है? और उस कैरेक्टर को आप अलग अलग कपड़े भी पहना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रियल मनी से, असली वाले पैसों से कपड़े परचेस करने होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है कि आप रियल मनी से पैसे दो, मतलब रियल मनी यूज करके कपड़े खरीदना चाहोगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्रिप्टो करेंसी बाय करनी पड़ेगी। यानी कि आप डायरेक्टली रियल मनी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटावर्स की दुनिया में आपकी करेंसी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो अलग दुनिया है, वहाँ की करेंसी अलग है, ठीक है? तो वहाँ की कुछ अलग क्रिप्टो करेंसी होगी, आपको वो पहले परचेस करनी पड़ेगी, और फिर उस करेंसी से आप अपने कैरेक्टर के लिए कैप्स, शूज, ज्वेलरी, क्लोथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप हर चीज परचेस कर सकते हो। सो गाइस देखो, मेटावर्स जो है वो कोई एक नहीं होगा, मेटावर्स कई तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने, यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने एक मेटावर्स बनाया जिसको नाम दिया मेटा। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मेटावर्स है जिसका नाम है सैंडबॉक्स, दी सैंडबॉक्स, शायद आपने सुना होगा। और एक और मेटावर्स है जो कि है शिबावर्स, उसका नाम शिबावर्स है शायद, अभी उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन शिबावर्स ही शायद होने वाला है। तो बहुत सारे मेटावर्स होंगे, और शिबावर्स के बारे में अगर मैं बता दूँ तो उसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग्स शिबावर्स में डाल दी है। सो एंड आई होप कि ये आगे जाए, बहुत आगे जाए। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ना ही किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने तो बस यही बताया कि मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मुझसे पूछ के नहीं, या मेरे मेरा ये वीडियो देख के नहीं, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ओके? तो अपनी रिसर्च करो, और इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे भाई ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखी है कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन इंडिया की सबसे नंबर वन और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इजी टू यूज़ है, बहुत सिंपल है, तो यहाँ से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि मेटावर्स कब लॉन्च होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स के ऊपर 2015 में वर्क करना शुरू कर दिया था, और जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बहुत ही जल्द, आपको पता भी नहीं है कि मेटावर्स आपके कितने ज़्यादा नज़दीक है, तो बहुत ही जल्द मेटावर्स लॉन्च होगा, फेसबुक का मेटा, और शिबावर्स भी बहुत जल्द लॉन्च होगा। और बताना चाहूँगा कि मेटावर्स को पूरे तरीके से डेवलप होने में, पूरे तरीके से तैयार होने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, या शायद उससे ज़्यादा समय। ये जो फेसबुक का मेटा है ये फिलहाल इनिशियल स्टेज पे है, ओके? और सैंडबॉक्स का भी, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब ये शिबावर्स स्टार्ट होगा तो उसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल होंगे, बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स होंगे उसके। और शिबावर्स में आप सोचो कि आप गार्डन में बैठे हो, और गार्डन में आपके आसपास पेड़ पौधे, तितलियाँ, फूल पत्ती, हर चीज़ है, ओके? और ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा जब आप ये इस तरह के हेडसेट से देखोगे हर जगह पे, तो आपको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते।
बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक। तो मतलब एक बार आप मेटावर्स में घुस गए ना, आप 8-8, 10-10 घंटे उससे बाहर ही नहीं निकलोगे। मतलब अभी आप अपने फ़ोन से चिपके रहते हो, बाद में आप फ़ोन की तरफ देखोगे भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होगा आपके नोटिफिकेशंस, आपके मतलब हर चीज़ आपको इसी पे मिलेगा। इस पे मतलब इस पे नहीं, ऐसे हेडसेट आएंगे फ्यूचर में। अभी तो है ऑक्यूलस क्वेस्ट 2, तो ऐसे कई सारे हेडसेट्स मार्केट में आने वाले हैं, कई सारी कंपनीज बनाने वाली है, ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेहतरीन हो। और मेटावर्स में आप शॉपिंग भी कर सकते हो, मेटावर्स में आप किसी शॉप में भी जा सकते हो रोड पे। मतलब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क से चलते जाते हैं, दुकानें होती है, शॉप्स होते हैं, हम किसी भी शॉप में चले जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, सेम उसी तरह मेटावर्स में भी एक दुनिया है जिसके अंदर आप किसी भी शॉप में जाओ। फॉर एग्जांपल आप प्यूमा के शॉप में गए मेटावर्स के अंदर, और वहाँ पे आपने कोई शूज़ पसंद किए और आपने वो परचेस किए, ओके, तो वो शूज़ रियल में आपके घर पे डिलीवर होंगे। आपको जस्ट पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, बट रुपीज़ में नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में। सो ये एक है, सो फ्यूचर होने वाला है क्रिप्टो करेंसी का, ये बात मान लो आप, और फ्यूचर होने वाला है मेटावर्स का। सो मैं तो रेडी हूँ मेटावर्स के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप रेडी हो? क्या आप एक्साइटेड हो मेटावर्स के लिए, मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए? नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करो, ताकि उन्हें भी पता चले मेटावर्स के बारे में कि मेटावर्स आने वाला है। और रात के 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो लाइक तो बनता है गाइस। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर।